दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज है 13 जून और 13 जून की करंट अफेयर्स में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन में क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स से अब SSC, रेलवे, बैंक यानी कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो दोस्तों चलते हैं कल के क्विज के क्वेश्चन की ओर। जो मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन ये था कि हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन RTI पोर्टल की शुरुआत की गई। तो दोस्तों हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा ऑनलाइन RTI पोर्टल की शुरुआत की गई। आंसर हो जाएगा आपका बी, चुनाव आयोग। तो दोस्तों कल के क्विज का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था उसका आंसर काफी बच्चों ने राइट दिया है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में ब्रज म्यूजियम स्थापित किया गया। तो दोस्तों गुजरात में ब्रज म्यूजियम स्थापित किया गया। आंसर हो जाएगा आपका बी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के कौन से फुटबॉलर प्लेयर ने सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। सुनील छेत्री ने फुटबॉल प्लेयर में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अमेरिका के लिए विदेश छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा प्रेषक देश बन गया है। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत देश अमेरिका के लिए विदेश छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा प्रेषक देश बन गया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी से लगभग 6 गुना बड़ा है, जिसका नाम है। तो दोस्तों हाल ही में इसरो वैज्ञानिकों ने एक ग्रह की खोज की, उसका नाम है EPIC, जो लगभग पृथ्वी से 6 गुना बड़ा है, जिसका नाम है EPIC। आंसर हो जाएगा आपका सी, EPIC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय के द्वारा कौन से नए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों हाल ही में रेल मंत्रालय के द्वारा रेल मदद ऐप लॉन्च किया गया रेलवे की तरफ से। आंसर हो जाएगा आपका बी, रेल मदद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेवेन्यू मार्केट शेयर के हिसाब से कौन सी कंपनी तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो रेवेन्यू मार्केट के हिसाब से जियो कंपनी तीसरी बड़ी कंपनी बन गई है। आंसर हो जाएगा आपका डी, जियो। रेवेन्यू मार्केट शेयर के हिसाब से रिलायंस जियो इन्फोकॉम भारत की तीसरे नंबर की टेलीकॉम कंपनी बन गई है। जियो कंपनी ने हाल ही में आइडिया सेल्युलर को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। अब यह वोडाफोन इंडिया के करीब है, यानी कि अब यह वोडाफोन को पीछे छोड़ देगा। आंसर हो जाएगा आपका जियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ 125cc स्कूटर लॉन्च किया है। तो हाल ही में सुजुकी कंपनी ने कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ 125cc स्कूटर लॉन्च किया है, यानी कि 125cc स्कूटर लॉन्च किया है सुजुकी ने। आंसर हो जाएगा आपका डी, सुजुकी। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम यानी CBS के साथ 125cc स्कूटर लॉन्च किया है। सुजुकी ने अपने एक्सेस का स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किया है, जिससे मेटेलिक सोनिक जॉकी बेज कलर और लेदर सीट के साथ है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और किसके बीच ऐतिहासिक शिखर वार्ता संपन्न हुई है। तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और किंग जोंग के बीच ऐतिहासिक शिखर वार्ता संपन्न हुई है। आंसर हो जाएगा आपका बी, किंग जोंग। हाल ही में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऐतिहासिक शिखर वार्ता समाप्त हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किंग जोंग से मिलकर कहा है कि
मिलकर हम बड़ी समस्या और दुविधा का समाधान निकालेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का पहला पुलिस संग्रहालय किस शहर में बनेगा? तो दोस्तों, भारत का पहला पुलिस संग्रहालय दिल्ली शहर में बनेगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत का पहला पुलिस संग्रहालय दिल्ली में बनाने का फैसला किया है। दिल्ली के चाणकपुरी इलाके में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक परिसर में भूमिगत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर भूमिगत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा पुलिस स्मारक का। यह भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसने शिकायतों के निवारण के लिए रेल मदद ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में शिकायतों के निवारण के लिए रेल मंत्रालय ने रेल ऐप लॉन्च किया है, रेल मदद ऐप लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा आपका ए, रेल मंत्रालय ने। हाल ही में रेल मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने पहली बार शिकायत प्रबंधन प्रणाली को पूरी डिजिटल बनाने का पहल को लेकर रेल मदद ऐप लॉन्च किया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनमें से किसने गांव में 5000 वाईफाई चौपालों केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, इनमें से केंद्र सरकार ने 5000 वाईफाई चौपालों केंद्रों का शुभारंभ किया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, केंद्र सरकार। हाल ही में केंद्र सरकार ने सामान्य सेवा केंद्र CSC के माध्यम से गांव में 5000 वाईफाई चौपाल केंद्रों का शुभारंभ किया है। इस सेवा का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया है, यानी कि इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है रविशंकर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है 5000 वाईफाई चौपाल केंद्रों का। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से किस देश ने पहली बार एशिया कप जीता है? तो दोस्तों, बांग्लादेश ने पहली बार एशिया कप जीता है। आंसर हो जाएगा आपका सी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत की महिला क्रिकेट टीम को हराकर पहली बार एशिया कप जीता है। बांग्लादेश ने फाइनल में 6 बार के चैंपियन भारत को हराकर एशिया कप जीता है, यानी कि आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि बांग्लादेश ने फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर ये चैंपियनशिप एशिया कप जीता है फाइनल में, वो भी। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, G7 समूह देशों के नेताओं और किस देश ने व्यापार में संरक्षणवाद के विरोध का संकल्प लिया है? तो दोस्तों, G7 समूह देशों के नेताओं और अमेरिका के देश ने व्यापार में संरक्षणवाद के विरोध का संकल्प लिया है। आंसर हो जाएगा आपका डी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका सहित G7 समूह देशों के नेताओं ने 2 दिन की शिखर बैठक में व्यापार में संरक्षणवाद के विरोध का संकल्प लिया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ, कनाडा और अन्य देशों से इस्पात तथा एल्यूमिनियम के आयात पर ऊंचा आयात शुल्क लगाए जाने का निर्णय लिया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कब अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 2018 मनाया गया है? इनमें से कब अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 2018 मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, 12 जून। हाल ही में 12 जून 2018 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य बाल श्रम के विरुद्ध लोगों में जागरूकता फैलाना है, जिसमें कामकाजी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे तथा बाल श्रम समाप्त हो सके। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीडियो कॉन घोटाले में किस बैंक की CEO के खिलाफ अब अमेरिकी एजेंसी जांच करेगी? तो वीडियो कॉन घोटाले में ICICI बैंक की CEO के खिलाफ अब अमेरिकी एजेंसी जांच करेगी। आंसर हो जाएगा आपका ए, ICICI बैंक। हाल ही में पता चला है कि अब वीडियो कॉन घोटाले में ICICI बैंक की CEO चंदा कोचर और उनके परिजनों के खिलाफ अमेरिकी एजेंसी बाजार नियामक प्रतिभूति विनिमय आयोग SEC जांच करेगी। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। तो दोस्तों, आज के क्विज का क्वेश्चन आपका ये है, हाल ही में किसे UPSC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है नीतीश श्रीवास्तव, बी अरविंद सक्सेना, सी जयवर्धन राठौर,
डी रवि मल्होत्रा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये था 13 जून 2018 का करंट अफेयर्स, यानी कि आज की डेट का करंट अफेयर्स, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंक, यानी कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।